हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खेल कबड्डी। प्रो कबड्डी सीजन 10 का आगाज हो चुका है और इस सीजन में सबसे पहला मैच जो खेला गया था वो था गुजरात जायंट्स और तेलुगु टाइटंस के बीच का, और दूसरा मैच हुआ यूमुम्बा और यूपी योद्धा के बीच। इन दोनों ही मैचेस के होने के बाद आइए पॉइंट्स टेबल पे सारी टीम्स की स्कोरिंग को जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स टेबल के कुछ रूल्स बताना चाहूंगी। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी टीम मैच में जीतती है, जीतने वाली टीम को मिलते हैं 5 पॉइंट। अगर कोई मैच टाई होता है तो दोनों ही टीम्स को 3-3 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर कोई टीम 7 या उससे कम अंकों से हार जाती है तो उसे 1 पॉइंट मिलता है, और अगर 7 से ज़्यादा अंकों से हारती है तो उसे 0 पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है। तो आइए पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालते हैं कि पहले दिन 2 मैचेस के होने के बाद कौन से टीम कितने पॉइंट्स पर मौजूद है। सबसे पहले नंबर पर बात करूं गुजरात जायंट्स की, तो उन्होंने 5 पॉइंट्स हासिल किए हैं। पहला मैच गुजरात जायंट्स और तेलुगु टाइटंस के बीच हुआ था, जहां पर गुजरात जायंट्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस मैच में जीत हासिल की थी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ टीम यूमुम्बा की, तो उन्होंने भी 5 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जी हाँ, यूमुम्बा और यूपी योद्धा के बीच में टीम यूमुम्बा की जीत हुई, जिसमें टीम ने 5 पॉइंट्स हासिल किए। यूपी योद्धा और तेलुगु टाइटंस ने 1-1 पॉइंट हासिल किया है, क्योंकि वो 7 से कम अंकों के अंतर से हारे थे। इसके बाद पॉइंट्स टेबल में सारी ही टीम्स के पास अभी 0-0 पॉइंट्स मौजूद हैं, क्योंकि कोई भी टीम अभी तक मैचेस नहीं खेली है। अब आने वाला समय बताएगा कि इन टीम्स की क्या स्कोरिंग रहेगी। अब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, कबड्डी से रिलेटेड सारे न्यूज़ और सारी अपडेट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल रहेंगी। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।